जिम्बाब्वे की टीम ने किया एक बहुत ही बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान को एक रन से हराया। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान से हुए मैच में पाकिस्तान की टीम को एक रन से हरा दिया है। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम ने मात्र 129 रन ही बना पाई और एक रनों से मैच हार गई। टी20 वर्ल्ड कप में एक और उलटफेर हुआ है। कल के मैच में इंग्लैंड ने जो थी वह आयरलैंड से डकवर्थ लुईस सिस्टम के कारण हार गई थी, तो वह भी एक बड़ा उलटफेर रहा। और आज भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जहां पाकिस्तान की टीम को जिम्बाब्वे की टीम से हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की टीम की यह दूसरे मैच में लगातार दूसरी हार है, भारत से भी उसे हार झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान की टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 11 रन चाहिए थे और पाकिस्तान की टीम ने अंतिम ओवर में मात्र 9 ही रन बना पाई और एक रनों से मैच को हार गई। जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करते हुए 130 रन बना पाए, जिसमें शेन विलियम्स ने सबसे ज़्यादा 31 रन बनाए और ब्रैड इवेंस ने 19 रन बनाए। और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 विकेट लिए और शादाब खान ने भी 4 विकेट लिए। दबाव में उतरी पाकिस्तान की टीम 129 रन ही बना पाई। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक बैटिंग नहीं कर पाया। मोहम्मद रिजवान ने मात्र 14 रन बनाए और उसके बाद बाबर आजम ने 4 रन बनाए। शान मसूद ने सबसे ज़्यादा 44 रन बनाए पाकिस्तान के लिए 38 बॉलों पर। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक बैटिंग नहीं कर पाया। मोहम्मद नवाज़ ने 22 रन बनाए 18 बॉलों पर। बॉम्बे की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग, सबसे शानदार बॉलिंग की सिकंदर रजा ने, उन्होंने 3 विकेट लिए 25 रन देकर 4 ओवरों में। उन्हें ही इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया।